चलो भैया आ तो चुके हैं भैया अंदर, धक्का मुक्की खा के ही। ये लोग पेंट्री वाला पानी बोतल लग के गेट को जाम कर रखा है, कैसे होगा? देख लीजिए यही अपनी बिहार संपर्क क्रांति के भैया जनरल कोच का हाल अपनी दरभंगा नई दिल्ली। जबकि बैग ऊपर करो भाई, देख रहे क्या हाल है, कहाँ जाइएगा भैया? दिल्ली बताइए, दो दो भैया को पढ़ रही है। बैग को साइड करके बैठो ना आराम से, उसी पे सबको एडजस्ट करो उसी। अरे एक एक करके चढ़िए आराम से, चलो 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 चलो। तो भैया महाराज कैसे हैं आप सब, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं हूं बिहार के सहेली चौक से मुजफ्फरपुर, और आज चलिए सफर करते हैं 1:25:65 बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट, जो कि चलते अपनी बिहार के मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा से अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं सफर को, सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जो कीजिए, बाकी वीडियो के अंदर बने रहिए, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। सो अभी हम लोग आ चुके बिहार के सहेली चौक से मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि अपनी जो बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट है प्लेटफॉर्म 2 पे आएगी। और भाई ये जर्नी हो रही है अपनी आफ्टर छठ पूजा और दिवाली के बाद, मतलब छठ पूजा और दिवाली के बाद देखिए भाई किस तरह से जो है ना बिहार से अब दिल्ली लोग जो है ना त्यौहार मनाने के बाद जाते हैं। बिहार संपर्क क्रांति का भाई जनरल कोच का टिकटों को चेकिंग मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। A few moments later. आगे भैया 10 मिनट डिले के साथ गोमो सेट का वेब 7 के साथ अपनी आ चुकी बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट दरभंगा नई दिल्ली। वाओ भाई देख लो SLRD का भी बुरा ही हाल है, बाकी देखो भैया जनरल आ गया अपना, ओ तेरी के भाई देख लो भाई। ये देखिए भैया बाथरूम में सफर करना है, कहाँ भैया दिल्ली जाइएगा? देख लो भैया बाथरूम तक जो है ना पैक हो चुकी है भाई, अभी यहाँ से काफी ज्यादा पब्लिक यहाँ से भरेंगे। हम भी इस गाड़ी के जनरल कोच में यात्रा करके दिखाएंगे कि कैसे लोग छठ पूजा और दिवाली के बाद जाते हैं। भैया चाची आराम से गाड़ी रुक दे, ओ भैया आराम से, अरे आराम से, पहले उतरने वालों को उतरने दो भाई, अबे पहले उतरने वालों को उतर जाने दो। देख लो भैया पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जाओ चढ़ने के लिए, देख लो भैया अरे पहले उतर जाने दीजिए, अरे पहले उतरने दीजिए, देख लो भाई पहले उतर, अरे पहले उतर जाने दीजिए, अरे पहले उतर जान दीजिए, फिर आराम से चढ़ते रहिए, अरे उतर जान दीजिए हो, अरे भाई आराम से उतर जाने दो, सब आराम से चढ़ना है क्या यार, अबे बैग ऊपर करो भाई, बैग ऊपर करो बैग, अरे भाई बाकी एक बार अंदर का हाल दिखा देता अपनी बिहार संपर्क क्रांति का, तो भाई अंदर पूरा ओवर पैक पैक है, देख लो भैया, अरे आराम से चलो भाई आराम से, मारिए ना, अबे आराम से चलो भाई, बैग ऊपर करो भाई, अरे बैग हो चाची बैग ऊपर कीजिए ना, अरे बड़ा भैया चलो 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 भैया आ तो चुके हैं भैया अंदर, धक्का मुक्की खा के ही। चलिए फाइनली कोच में तो पहुंच गए भैया, यही हाल है अपनी बिहार संपर्क क्रांति का भैया जनरल कोच का हाल आफ्टर छठ पूजा और दिवाली से। देख रहे हो भैया पूरी ओवर पैक हो चुकी है भाई, क्या करोगे भाई टिकट नहीं मिलने के कारण लोग मजबूरी में जो है ना जनरल कोच में सफर करते हैं, और त्यौहार के सीजन में खास करके ज्यादा भीड़ होता है तो इस चीज का ध्यान देना। बाकी देखिए अंदर कितना बुरा हाल हो गया, जबकि गाड़ी का ये दूसरा स्टॉपेज है समस्तीपुर के बाद, दूसरा अपने मुजफ्फरपुर, अभी गाड़ी ना जाने अपनी बिहार उत्तर प्रदेश गुजरते हुए जाएगी दिल्ली, तब क्या हाल। बाकी देख लीजिए यही अपनी बिहार संपर्क क्रांति का भैया जनरल कोच का हाल अपनी दरभंगा नई दिल्ली, जबकि इस गाड़ी का ये दूसरा स्टॉपेज है मुजफ्फरपुर, और भाई अंदर का एक बार रस ये कर लो भाई, दिवाली और छठ पूजा के बाद लोग किस तरह से जो है ना बिहार से अब दिल्ली जाते हैं, देख लो किस हालत में, टिकट नहीं मिलने के कारण देख रहे हो कितना स्ट्रगल करना, लोग गेट तक जो है ना वो जाम पड़ा है, देख रहे हो उस साइड का भी बुरा ही हाल है। बाकी इस साइड का हाल देख लीजिए एक बार, लोग जिनको वॉशरूम जाना वो भी नहीं जा सकता भाई, वॉशरूम तक पैक है। उतरे कहो चाची, अरे भाई उतर जाने दो भाई लेडीज को, उतरने दो भाई लेडीज, चलिए चलिए गाड़ी खुल जाएगा तब, अरे आगे बढ़ो आगे, अरे गाड़ी खुल जाएगा भाई, गाड़ी खुल गया, अब गाड़ी खुल गया, अब हाजीपुर रुकबो तब उतरबो, उतरना था का भैया, उतरना था कहाँ मुजफ्फरपुर, तो काहे अंदर जाम हो गई थी, पहले गेट पे पहले आप सीधे हाजीपुर गाड़ी रुकेगा, देख लो भैया उतरना था इन लोगों को मुजफ्फरपुर, और भाई रह गए ट्रेन के अंदर ही है ना, चाचा जाएंगे सोनपुर, बाकी देख लो
देखिए क्या हालत हो चुकी है अपने बिहार से। बेगवा पे पैर रखवाइएगा। अरे बच्ची बच्ची को पकड़िए हो, गर्मी है बहुत। बाकी चलिए 5 मिनट होल्ड के बाद निकल चुके अपने बिहार के, साई ले चुके सर अपनी ट्रेन भाई मुजफ्फरपुर जंक्शन से भी। और भाई भीड़ देख रहे हो कितने ज्यादा। बाकी अरे काहे लाना भैया, आराम से रहिए हो महाराज, सबको जाना है। वैसे कीजिएगा तो थोड़ी जगह देखो भाई, गेट तक ऊपर पाएगा और आपस में भैया लड़ाई भी शुरू। दिल्ली से बिहार जाए और ये गाड़ी में भैया लड़ाई झगड़ा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ये जो अपनी बिहार संभाग आते हैं, इस गाड़ी को भाई उत्तर बिहार का डॉन भी बोला जाता है। और ये जो गाड़ी अपनी हफ्ते के 7 दिन चलती है बिहार के मिथिलांचल की राजधानी अपनी दरभंगा से अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच, वैसे ये गाड़ी हमेशा मतलब सही टाइम पे चलती है। लेकिन गाड़ी काफ़ी बेस्ट अपनी बिहार से दिल्ली जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में भाई इतनी ज़्यादा रश होती है। और भाई देख रहे हो कैसे लोग दिवाली और छठ पूजा के बाद कैसे बिहार से दिल्ली जनरल कोच में क्या करोगे भाई, टिकट नहीं मिलेगा कहाँ, कितना लोग स्ट्रगल करके जाते हैं। देख रहे हो भाई टिकट नहीं मिलने के बाद जनरल कोच में जाना पड़ता है इस हालात से। बाकी बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर को जंक्शन पॉइंट की बनाए, क्योंकि एक लाइन यहाँ से समस्तीपुर निकल जाएगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे हाजीपुर लाइन में, और एक लाइन यहाँ से सीधे चल जाती है सीतामढ़ी के रास्ते रक्सौल, और एक लाइन सीधे निकल जाती है अपनी मोतिहारी बेतिया नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर, लेकिन अपनी बिहार संभागांति भैया छपरा सिवान होते हुए पहुंचेगी गोरखपुर जंक्शन। बाकी वैसे बिहार संभागांति दरभंगा से निकलने के बाद इसका पहला स्टॉपेज आता है समस्तीपुर, जहाँ इस गाड़ी का लोको रिवर्स होता है, और ये गाड़ी का दूसरा स्टॉपेज है अपनी मुजफ्फरपुर जंक्शन। और मुजफ्फरपुर जंक्शन पे ये हाल अभी आगे जितना भी स्टॉप पड़ेगा उतना में भी बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। जो लोग दिल्ली तक जाएंगे वो कैसे जाएंगे भाई इस हालात में, देख रहे हो भाई छठ पूजा दीपावली के बाद। बाकी ठीक सामने जो लाइन देख रहे हो वही लाइन निकल जाएगी आगे चल के सीतामढ़ी के रास्ते अपनी रक्सौल की ओर, और सीधे निकल जाएगी अपनी मोतिहारी बेतिया नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर की ओर, और हमारी बिहार संभागांति जाएगी हाजीपुर छपरा सिवान के रास्ते गोरखपुर की ओर। बाकी देखिए किस तरह से जहाँ पे 4 आदमी बैठा जाता है वहाँ पे देखिए कैसे 5-5, 6-6 लोग जो है ना वो मजबूरी में ट्रेवल कर रहे हैं भाई, ये हाल है अपनी बिहार से दिल्ली जाते समय। बाकी उधर का एक बार रास्ता देख लीजिए भाई, उधर भी गेट पूरा ओवर पैक है, देख रहे हो भाई अभी आगे जितना स्टॉप पड़ेगा वहाँ भी अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक चढ़ने वाले हैं। क्या हो गया भैया, बैग छूट गया? बैग इसी में है, बैग इसी में है। खाना खाने चले गए थे। अच्छा बैग बुला जा रहे हैं, कहा हो भैया कहाँ जाइएगा तो आपसे, जाइए जाइए। भाई जुगाड़ बना ले बैग टांग के आराम से, देखो भाई जुगाड़ लगा रहा है कि बैग हिले नहीं है, लेकिन बैग को अस्थिर वहाँ रहना चाहिए है ना, उसी में कस के बांध दो ताकि गिरे नहीं, और बैग का ध्यान देना वहीं रह के। आपको बताया थी कि भाई जब भी त्यौहार की सीजन में ट्रैवल कीजिए या भाई जनरल कोच में, तो अपने भाई फोन और सब चीज़ का भाई ध्यान देना पड़ता है, अपने बैग और कीमती सामान को भाई आगे की तरफ, खास करके जनरल कोच में भीड़ में चढ़ते वक्त आपका कब पॉकेट मार दिया जाए और कब आपका फ़ोन और सामान चला जाए, इस चीज़ का भाई रिस्क लेना बहुत ईजी है। जैसे मैंने आपको दिल्ली में दिखाया कि एक भाई चढ़ रहे थे उनका फ़ोन वगैरह सब चीज़ खो गया, इसीलिए बोलते हैं जब भी ट्रैवल करो भाई जनरल में भीड़ में तो अपने बैग को भाई आगे की तरफ जो है ना वो लटका लिया करो है ना। बाकी बहुत सारे यहाँ भैया भी हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं तो हाजीपुर जा रहा हूँ। भैया हाजीपुर तक जाएंगे हमारे साथ, और भैया आप कहाँ जाइए? छपरा जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे भाई लोग भी हैं जो कि इसी खड़े खड़े जाएंगे भाई दिल्ली तक, क्या करोगे भाई टिकट नहीं मिला, और ख़ास करके त्यौहार के सीजन में तो और ही मुश्किल होता है ना भाई। तो भैया गाड़ी इतनी रफ्तार से अभी गुजर रही थी और अचानक किसी ने जनरल कोच में ही भाई किसी ने चैन पुल कर दिया, देख रहे हो भाई ये गलत चीज़ है यार, ऐसा मत करो, जबकि गाड़ी अपनी ऑन टाइम भाग रही थी, बेमतलब के लोग बिना स्टेशन के ही जंगल में ही चैन पुल कर दिया, देख रहे हो। तो देखिए अपना ही बगल वाला ही जनरल कोच में भाई चैन पुल हुआ है, और गाड़ी इतनी अच्छी रफ्तार से चल रही थी भाई किसी ने भहकम कर दिया है। बाकी देख लीजिए यही भैया लोग उतरे हुए हैं और यहीं से भाई चैन पुलिंग का जो है ना वो भहकम का आवाज़ आ रहा है, सामने से हमारे लोको पायलट सर भी आ रहे हैं उसको बंद करने के लिए। अरे भाई चैन पुलिंग किसने किया हो? आगे 4 जनरल कोच है,
अपनी बिहार से पकाती है और चारों के बगल में लास्ट स्लीपर के बगल में ही भाई गाड़ी हाई स्पीड से चल रही थी और भाई अचानक किसी ने भाई चैन पुल कर दी। ये गलत चीज़ है, बाकी हमारे LP सर आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। इतना अच्छी खासी गाड़ी रफ्तार से चल रही थी और हाँ, बाकी हमारे LP सर भी आ चुके, देख लीजिए भाई। क्या भाई चैन पुल कितने की चाहो? किसने किया था भाई, किसने किया था बताओ? इतना बढ़िया गाड़ी रफ्तार में चल रही थी और चैन पुलिंग कर दिया, ये गलत चीज़ है भाई, ऐसा मत करो। जस्ट यही कोच अपना लास्ट जो है ना स्लीपर के बगल में ही हुआ था और आके हमारे LP सर ठीक किए उसको। चलिए चैन पुलिंग कंप्लीट हो गया। इतनी अच्छी खासी रफ्तार में गाड़ी निकल रही थी भाई और बीच रास्ते में अभी हाजीपुर से पहले ही भाई किसी ने बगल में ही चैन पुल कर दिया, ये गलत चीज़ है यार, ऐसा मत करो। जबकि गाड़ी इतनी अच्छी खासी, लोग कहते हैं गाड़ी लेट हो गई, लेट इसीलिए होती है चैन पुलिंग के कारण ही। बाकी चलिए आके LP सर तो उसको ठीक कर दिए भाई, नीचे आके उसको लॉक वगैरह किए अब गाड़ी। अरे बैठने दीजिए हो भैया, कायम लड़ाई कर रहे हैं, सब खाने जाना है, लड़ाई झगड़ा क्या करना है, सबको जाना है, बैठने दीजिए। ऐसा नहीं उधर जाओ ना। अरे भाई बैठने तो जनरल में सबके लिए एडजस्ट करना पड़ता है भाई, स्लीपर थोड़ी है सो के जाओगे। अरे बैठने दीजिए हो भैया, जगह का ना बनाइएगा तो जगह का ना बनेगा, बैठने दीजिए, गोदी में बैठ जाइए, सबसे सही रहेगा गोदी में बैठ जाइए, बैठिए वहीं पे। अरे दिल्ली जाए क्या बैठे था? लड़ाई किस चीज के लिए कर रहे हो भाई? बैग को हटवाइए, बैग को साइड करके बैठो ना आराम से उसी पे, सबको एडजस्ट करो उसी में। कहा भैया तू कहाँ से आ गया? यही में, यही में सीट है। कहाँ उतरला? नीचे घूमे, देखो सामने था मैं, उधर से आ गया। अच्छा सीट पकड़ ला सीट, बाकी देख लो भैया गेट जाम है, लोग देख रहे हो भाई कैसे बैठ के सफर कर रहे हो भाई, गेट तो ओवर है पैक है, पूरा गेट जाम है देख रहे हो। अरे भैया काहे पलथी मार के बैठा ले, बैठने दीजिए भाई, दिल्ली तक जाएगा भाई, सबको एडजस्ट कीजिए, जनरल रिजर्वेशन करा लेते हैं। अरे तो उसी में एडजस्ट कीजिए, देखवा हटाइए ना अभी जगह बनेगा, देख हटाइएगा अभी जगह बन जाएगा। हाँ भैया रेल निर्वाह, हाँ रेल निर्वाह कितने का है? कितने का है? पंद्रह रुपया भोरा में कसले है। देख लीजिए भैया अपने भैया जी आ चुके हैं, इतना भीड़ में जंग लड़ के हम लोग के लिए सेवा के लिए पानी वगैरह लेके इतनी भीड़ में, देख रहे हो भैया पेंटी वाले भैया को भी थोड़ा बहुत कैमरा देखे हैं तब बोल रहे हैं रेल निर्वाह पानी के बोतल 15 रुपया, वैसे ये लोग 20 रुपया लूटता है पैसेंजरों को, जब तक अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता तब तक ये लोग पानी 15 का 20 देता है ये लोग, है ना, इसीलिए MRP जितना है रेल निर 15 उतना ही लीजिए, 20 देता है लो तो ओवर चार्ज, तो आप लोग कंप्लेन और ट्वीट कीजिए इसके मैनेजर से बात कीजिए, ये लोग ओवर चार्ज देता है पानी 15 का 20। तो जाइए जाइए पेंटी वाले भैया आराम से। अरे काहे आराम से जाओ भैया, काहे लड़ दिया वो बाहर, काहे लड़ रहे पेंटी वाले भैया अभी, चलिए जाइए जाइए महाराज, काहे छोटा छोटा बात लेके जाइए, काहे लड़ रहे महाराज, हल्ला करे से लड़ा मिलेगा कैसे, छोटे छोटे बच्चे तक जो ना भाई इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना छोटा बच्चा भी जा रहा है दिल्ली और इसी गर्मी और भीड़ में, देख रहे भाई ये हाल अपने बिहार से बताती का भाई जनरल को। अरे काहे लड़े हैं गेट पे महाराज, सबको जाना है एडजस्ट कीजिए उसी में, आप सोचिएगा यहीं बिहार में दंगल शुरू कर ले, अभी UP बाकी है अभी। अरे स्टेशन आएगा तो उतर जाइएगा पहले, काहे इतनी कर रहे हो, हट जाइए पेंटी वाले भैया के जाए था सेवा में, भीड़ में आई वाला हम नहीं खाती सेवा लेके, पानी माजा लेके खाए वाला भी लेके आवा, बिरयानी बिरयानी छपरा में, हाँ केक बिस्कुट सुई खा मर दे, जाए कहो दिल्ली तक हमरो। वो जो ठीक सामने लाइन देख रही है निकल गई अपनी घोसवर जंक्शन से अपनी वैशाली के तरफ और हम लोग आए मुजफ्फरपुर और यहाँ से निकल जाएंगे हाजीपुर, 3 लाइन आगे मिलते हैं इसलिए घोसवर को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है।
बाकी देख लीजिए इतना भीड़ में हमारे पेंटी वाले भैया लोग खाना सर्विस के लिए, भैया पानी से लेकर सब चीज़ आपको इतना भीड़ में भाई स्ट्रगल करके हम लोग के लिए ला रहे हैं, और ओवर चार्ज भेजते हैं ये लोग भी कुछ कम नहीं है अपनी पेंटी वाले भैया लोग। तो फिलहाल अपनी ट्रेन घोसवर जंक्शन को पार कर रही है लूप लाइन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बीच में भैया गुड्स ट्रेन को लगाया गया इस वजह से। तो फिलहाल अपनी ट्रेन भाई घोसवर जंक्शन को भी पार कर चुका है, और यहाँ से अप्रोक्स 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में अपना हाजीपुर, और उसके आगे भाई जाना इस गाड़ी में भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाल ही देख रहे हैं क्या बुरा आगे अंदर फंस गया भाई, गेट पे जाना तक मुश्किल है। बाकी बंडी वाला भैया केक नहीं रख रहा है, बिस्कुट है भैया, बिस्कुट केक खत्म हो गए, हाँ बिस्कुट है, केक लेके आइए महाराज। 30-30 कहाँ जाएगा भीड़ में हो, आराम से भैया जाइए 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 आराम से, आइए बोरा के इतनी रखा ऊपर में, कार्टून है को ले लेके चाहे साइड दे दा पेंटी वाला भैया के, जाया था बेचे हो जाया था बड़े था बड़ा 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 अंदर खड़ा हो जाइए भैया, उतरने दीजिए हो हाजीपुर, अभी चढ़ने वाला भी चढ़ेगा, गेट खोलिए हो महाराज, हाजीपुर आ गया, हाँ उतरना है भैया हाजीपुर। सामने खड़ी है नई दिल्ली दरभंगा क्लोन हम सफर, और उसका भी हाल देख लीजिए, दिल्ली से आ रही है तो नॉर्मल है, खाली ही है। तो पहुंच चुके हैं सुबह के 11:30 में हाजीपुर जंक्शन, और अपनी जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 उस साइड है, और देखिए भैया गेट पे खुलवाने की कोशिश करते हैं निकलने का, अरे भैया उतरना है ओ खोलिए हो, अरे गेट तो खोलिए महाराज, उतरने वालों को उतरने दीजिए ना, अभी चलिए गेट खोलिए, हाजीपुर उतरना है हो, दो चार आदमी है अभी चढ़ेगा हो, अरे भाई अंदर हो जाओ भाई उतरने दो हो, ऐसा करो हमारा आराम से चलिए हो। चलो भाई पहुंच गए हाजीपुर जंक्शन पे, और भाई यहाँ का जो है ना चिनियावा केला काफी फेमस है, और यहाँ पे भाई हाल देख लिया अपनी बिहार संभाग क्रांति के भैया जनरल को कहा लिया हाल है अपनी छठ दीपावली पर्व मनाने के बाद लोग कैसे बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, देख रहे भाई ये कंडीशन है। बाकी इस गाड़ी से आगे जाना मेरे को भाई पॉसिबल नहीं है, बाकी हाल ही देखे भाई इतनी बुरी हाल है अपनी बिहार संभाग क्रांति का जनरल कोच का, अरे चढ़े दो भाई चढ़ने दो, अरे एक एक करके चढ़िए आराम से, अरे चढ़िए आओ भाई अंदर दबो ना, देख लो भैया बुरा हाल तो ही है अंदर का, हमको तो अब आगे जाना पॉसिबल नहीं है, आराम से चढ़िए हो, देख लो भैया हाजीपुर में भी काफी सारा पसेंजर बोर्डिंग कर रहे हैं भाई, अरे भाई अरे चाचा झोला लेके बड़ो, अरे खोलिए भाई खोलिए जाना है दिल्ली, अरे ये जिनको दिल्ली जाना है वो कैसे जाएगा, ऐसे हमारे सिक्योरिटी भी लगे हुए हैं लेकिन ये लोग गेट को जो है ना भैया लॉक करके रख देते हैं, हाँ 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 ये लोग पेंट्री वाला पानी बोतल लग के गेट को जाम कर रखा है, कैसे होगा पेंट्री वाला पानी रख के जाम कर दिया है बिहार से, बिहार से दिल्ली जाना हो या दिल्ली से बिहार जाना हो तो भैया आपको मोटरा मोटी हारा वाला ड्राम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी बिहार संपर्क क्रांति का यहाँ 5 मिनट का होटल अपनी हाजीपुर जंक्शन पे, और अब यहाँ से ये गाड़ी अपनी सोनपुर छपरा सिवान के रास्ते गोरखपुर को निकल जाएगी, देख लीजिए किस हालात से लोग जाते हैं, देखिए भैया कैसे दिल्ली तक जाएंगे बाथरूम तक लोग यात्रा कर रहे हैं, देख रहे क्या हाल है, कहाँ जाइएगा भैया दिल्ली बताइए, दो दो भैया लोग बाथरूम तक पैक है, और हाजीपुर आता है यहाँ का चिनियावा केला जरूर ट्राई कीजिए। बाकी देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी इस गाड़ी में जाना है, अब बाबू को देखिए भाई, बाकी देख लो भैया प्रशासन भी इन लोगों से भाई परेशान है कि कैसे दिल्ली जाए दिल्ली, चलो भाई दिल्ली दिल्ली, अरे भाई लेडीज जाने दो यार दिल्ली जाकर, लो चलो 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 गाड़ी सिग्नल हो गया जल्दी करो भैया, पेंटिंग वाले दादागिरी दे दीजिए भाई स्टाफ को, लोगों को भाई कैसे चढ़ाते हैं अपनी बिहार संपर्क क्रांति में, चलिए अपनी बिहार संपर्क क्रांति का डिपार्चर हो चुका भैया, अपनी हाल देख लीजिए जनरल कोच का अपनी दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति छठ पूजा दीपावली के बाद हाल देखिए कैसे लोग भाई गेट पर लटक लटक के भाई इस गाड़ी से ट्रेवल करें, देख लो भैया बाय बाय भैया, अरे भैया आराम से कहा देख लो भैया जनरल कोच का हाल देख लो कैसे लोग जान जोखिम में डाल के भाई, ये तो रेल नील पानी से भाई पेंट्री वाला, अरे भैया अंदर बढ़ जाओ, ये भैया भैया अपने स्लीपर का भी बुरा ही हाल है बिहार संभाग क्रांति,
ये देखो भैया स्लीपर का हाल। बाकी चलिए भैया फाइनली अपनी बिहार समक आते हैं, अपनी तीसरी स्टॉपेज बिहार के हाजीपुर जंक्शन से भी निकल चुके, अपनी थर्ड स्टॉपेज से, पहला समस्तीपुर था, दूसरा मुजफ्फरपुर से बोर्डिंग किया था, तीसरा हाजीपुर से भी गाड़ी निकल चुकी। और भाई भीड़ देख लिया कि क्या बुरी हाल थी भाई जनरल कोच में, तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई त्यौहार के सीजन में ट्रैवल करते हैं तो भाई अपने बैग को आगे करके ट्रैवल कीजिएगा और अपने कीमती पर्स और मोबाइल का खास करके ध्यान दीजिएगा, खास करके इस बिहार संपर्कांति ही नहीं बल्कि जितना भी दिल्ली से बिहार वाली गाड़ी है। वैसे ये जो अपनी बिहार संपर्कांति हफ्ते के सातों दिन चलती है बिहार के मिथिलांचल के दरभंगा से नई दिल्ली के बीच, इस गाड़ी में आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच जो है ना वो अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी अगर आप दरभंगा से नई दिल्ली की ओर जाते हैं बिहार संपर्कांति से तो जनरल कोच आपको आगे देखने को मिलेगा, बाकी एसी कोचेज आपको पीछे की तरफ मिलेगी अपनी बिहार संपर्कांति का दरभंगा से नई दिल्ली जाते हो। बाकी निकल चुकी अपनी गाड़ी भाई हाजीपुर जंक्शन से। बाकी भैया हाजीपुर एक बिहार का इस सेंटर के हेड क्वार्टर है और उसी के साथ साथ यहाँ का जो है ना केला ऑल इंडिया में फेमस है, मतलब हाजीपुर जब भी है तो यहाँ का चिनियावा केला जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी हाजीपुर एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि हम आए हैं मुजफ्फरपुर लाइन से और एक लाइन यहाँ से सोनपुर की तरफ निकल और एक लाइन यहाँ से शाहपुर पटोरी के रास्ते बरौनी के तीन लाइन आगे मिलते हैं, इसलिए हाजीपुर जंक्शन पॉइंट बनाया गया। तो भैया फाइनली पहुंच गया हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन अपनी बिहार संपर्क क्रांति और यहाँ पे अपनी टेगा 5 मिनट का होता है और भाई देखा ही नॉन स्टॉप की एक छोटी सी जर्नी थी, बस आपको दिखाना था कि भाई देख लो कैसे दिवाली और छठ पूजा के बाद कैसे लोग भाई बिहार से दिल्ली जाते हैं वो भी जनरल कोच में भाई टिकट नहीं मिलने के कारण। बाकी जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, हाल बुरा हाल हो गया इस वजह से, मुझे तो जाना था दिल्ली तक लेकिन हाल ही देख के भाई मुझे इस गाड़ी को छोड़ना पड़ा अपनी हाजीपुर जंक्शन। बाकी बिहार संपर्क क्रांति का ये तीसरा स्टॉपेज था, बाकी गाड़ी कितनी बुरी हाल है ना भाई क्या ही बोले। चले इस जर्नी को एंड कर ले तो भाई कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द इस टॉपिक पर, फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।